PNG ज्वेलर्स। पेटीएम की मुश्किलों के बीच विजय शेखर शर्मा ने सोमवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL के अंशकालिक गैर कार्यकारी चेयरमैन और बोर्ड के सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये कदम RBI द्वारा लगाए गए बैन के बाद लिया है। बता दें कि आज से कुछ दिन पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने नियमों की अनदेखी करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 15 मार्च के बाद ग्राहकों से कोई भी नई जमा राशि या टॉपअप स्वीकार करने से रोक दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि विजय शेखर शर्मा पेटीएम में पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर थे। उनके इस्तीफा देने के बाद बोर्ड का नया गठन किया जाएगा। इस नए बोर्ड में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन श्रीधर, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक कुमार गर्ग और दो रिटायर्ड IAS को शामिल किया गया है। आखिर क्यों विजय शेखर शर्मा ने दिया इस्तीफा? इस्तीफा देने से पहले भी विजय की ओर से फरवरी महीने की शुरुआत में पेटीएम को छोड़ने की ओर इशारा किया था। विजय शेखर शर्मा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 51% की हिस्सेदारी के मालिक हैं। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने भी अपने नॉमिनी विजय शेखर को हटा लिया है। विजय शेखर ने इस पर बात करते हुए कहा, उनका इस्तीफा और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति स्मूथ ट्रांजिशन और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक कदम है। इस कदम को उनके पेटीएम पेमेंट बैंक यूनिट और पोजीशन से अलग करने और एक स्वतंत्र इकाई के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि विजय के इस्तीफे के बाद से पेटीएम के सामने आने वाली नियामक चुनौतियों से इसके स्टॉक रेट पर असर पड़ा है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश के बाद इसमें काफी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक ने रिकवरी के संकेत दिए हैं।